जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मैं थोड़ा, अभी अभी हम सो के उठे, पता है 8:30 हो रहा है, अभी हम सो के उठे, कल रात में 4 बजे सोने ही गए थे। आज दशहरा का अंतिम दिन है, तो आज 10 दिन का फास्टिंग होता है, तो आज कुछ अच्छा होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। और देख सकते हैं सुबह में उठ के आए हैं हम छत पे, जैसा कि हम हमेशा आते हैं, और साथ में लाए हैं पीने के लिए पानी। पानी ये ना लाएंगे और क्या लाएंगे, क्या ख्याल है? पानी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, मतलब नवंबर आने वाला है, लेकिन अभी भी धूप कितना ज़्यादा खिला हुआ है, समझते हैं? और धूप में थोड़ा सा रहना भी चाहिएगा, आप लोग भी रहिएगा, हालांकि विटामिन डी मिल जाता है, हालांकि विटामिन डी हम लोग के अंदर ही होता है, लेकिन एक्टिवेट करता है सनलाइट, इस वजह से ये सब बात अभी बाद में बताएंगे। पेड़ का जो स्थिति देखिएगा, तो पेड़ को देख लीजिए, देख रहे हैं पेड़ में फल खिल गया है, फूल जो था मुरझा के, मतलब फिर से पेड़ बनने वाला तो है। आपको नीचे चल के दिखाते हैं, ठीक है, कि खाना का क्या पोजीशन, के क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, और क्या है, मतलब अंतिम दिन है तो कुछ अच्छा कुछ तो होगा ही, तो ठीक है हम चलते हैं नीचे। और यहाँ देख सकते हैं मेरी दादी माँ छत पे लोटा लेके पूजा करके जा रही है नीचे, अब जाएगी, हम लोग फिलहाल नीचे चलते हैं। फिलहाल तो हम लोग किचन में आ गए हैं, यहाँ पे देखिए दूध गर्म हो रहा है, ख्याल देखते हैं खाना में क्या है, ज़रा इसमें देखें क्या है, इसमें तो मार है, खैर देखते हैं इसमें क्या है, दूर यार इसमें तो रोटी है, कोई बात नहीं, इसमें ज़रूर सब्जी होगा, हमको पूरा उम्मीद है, इसमें बैगन बैगन ही खाते हैं, खैर कोई बात नहीं, और जो बनाए उसमें अच्छा रहना चाहिए, इसमें तो दाल है, गरम पानी, चावले होगा इसमें, हम जानते हैं इसमें चावले होगा, सब्जी वब्जी है, सब्जी तब्जी सारा के शुभ अवसर पे ये जो है खुलेआम घूम रहा है। चल चलो, शुभ अवसर पे ये घूमते हुए जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अपना घर में, घर में जाएगा, हम जानते हैं, हाँ वही घर है तुम्हारा, चल जाओ, छेद में से नहीं जा पाएगा, कूदना पड़ेगा तुमको, जानते हैं तुम कूद जाएगा, देखिए कितना स्टाइलिश जीव है कि नहीं है, अपने आप कूद गया। तो जैसा कि आप लोग देखें, हम लोग शाम में आपको और दिखाते हैं, ठीक है, और देखिए हमको वही खाने वाला मिला है, नारियल वाला जो मिठाई नहीं था वही मिला है खाने के लिए, इसको खा लेते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, शाम का खाना में ये घी है, घी इसमें नहीं है, ये चावल है, दाल है, बैंगन की सब्जी है, मेरा खाना है, मेरी बहन का रखा चुका है, और खा लिया है, फिलहाल तो हम पंखा ऑन कर देते हैं, हमको गर्मी पंखा बंद कर देते हैं। और अब आप लोग देख सकते हैं, मैं चावल में दाल में दही थोड़ा कि अंतिम दिन है तो कुछ अच्छा खाना चाहिए, और जो मालिक मसाल दे तो अच्छा खाना, तो बड़ी खाना खा। और आप लोगों को बता दें, खाना हम खा लिए, और देखिए क्या है, बोतल है, आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन ये बोतल में बर्फ जमा है, आप लोग पता है, इसका मेन काम दिखाते हैं आप लोगों को, समझते हैं, देखिएगा हमारा लगा मार्बल कहीं फूट ना जाए, एक बार और गिराएंगे मजा आएगा, एक बार और गिराते हैं, क्या एक बार और गिराना है, ठीक, देखे गिराने में कितना मज़ा आया, लेकिन बर्फ जमा हुआ है तो इसमें पानी भी नहीं है, खैर ठीक है। खैर अब आप लोग एक बार हम किचन में आ गए हैं, आप लोग शाम का खाना देख लीजिए, तो गोभी है, हाँ ये गोभी आप लोग समझ लीजिए, गोभी ही है खाने में। खैर और देखा जाए और क्या बना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घुघनी बना है खाने के लिए, तो घुघनी खा लेंगे, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, शाम दोपहर का खाना तो आप लोगों को दिखाई दिया, तो शाम में शायद घुघनी खा लेकर मिले, यहाँ पे भी कुकर में कुछ बन रहा है, खैर
अभी तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मस्त मिक्सचर डाल के मस्त घूगनी का मिक्सचर बना दिया गया है। अब इसको खाया जाएगा, समझ में। तो देख सकते हैं आप लोग कितना बेहतरीन है। अब देखना दही वही सब डाल दिया गया है इसमें और काफ़ी अच्छा है खाने में लग रहा है। हम थोड़ा सा खा भी लिए हैं। गॉड के फसल से अच्छा है कि ये मिलता है। खा लिए हैं घूगनी, जैसा कि आपने देखा। फिर से एक बार पीला बोतल ले लिए हैं, इसको पियेंगे। इसमें बर्फ जमा है, दोपहर में जैसे जमा था ना इसमें, वो बोतल तो वहाँ पे जिस पहले से दोपहर का था। अभी वाला का दिखाते हैं, दिख रहा है, दिखाते हैं। आई थिंक कि अब आपको बर्फ़ दिख रहा होगा, दिख रहा है इसमें बर्फ़ जमा हुआ है। पियेंगे। Thanks! Love you!